ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणी अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मंच पर उपस्थित परम पूज्यपाद श्रीमत् स्वामी राघवेंद्रनाथ जी महाराज, परम आदरणीय श्रीमत् स्वामी सुखानंद जी महाराज, परम आदरणीय श्रीमत् स्वामी सेवाव्रतानंद जी महाराज, चंचल भट्टाचार्य जी, उपस्थित सभी भक्तवृंद, मुझे कहा गया है कि आप हिंदी में बोलिए, तो मैं महाराज जी को कह रहा था कि यदि मैं बंगला बोलूँगा तो थोड़ी देर में ये पंडाल ही खाली हो जाएगा, क्योंकि मेरी जो बंगला है बस वो वैसी है जैसी शायद यहाँ रहने वालों की हिंदी है, तो मैं हिंदी में बोलूँगा। शायद आप लोग सब समझते हैं ना हिंदी, ठीक। तो मैंने जो विषय आज के लिए चुना है वो विषय है कि हम आध्यात्मिक जीवन क्यों जीना चाहते हैं। एक प्रश्न है कि आध्यात्मिक जीवन क्यों, और इसका उत्तरार्ध जो अंतिम भाग है वो है कि आध्यात्मिक जीवन क्यों और कैसे, ये जीवन कैसे जिए, आध्यात्मिकता को कैसे प्राप्त करें। सारे शास्त्र, सारे अवतार पुरुष, सभी संत महात्मा एक ही बात कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति। तो ये जीवन का जो उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति, यही क्यों होना चाहिए? धन प्राप्ति क्यों नहीं, घर प्राप्ति क्यों नहीं, सम्मान प्राप्ति क्यों नहीं, तो अन्य अन्य जो समाज में, जो जगत में प्राप्त करने योग्य चीज़ें हैं उनकी प्राप्ति क्यों नहीं, क्यों ईश्वर प्राप्ति? हम लोग नौकरी करते हैं, धन कमाते हैं, किस लिए कमाते हैं? क्योंकि सुख मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि हमको सुख मिलेगा। जितनी भी चीज़ें जगत में हम पाना चाह रहे हैं या पाने का प्रयास करते हैं, उन सभी के पीछे, उन सब के मूल में एक ही बात है कि हम सुख चाहते हैं। शायद मेरी बात से आप सब लोग सहमत होंगे कि सारे प्रयत्न, सारे प्रयास सुख के लिए हैं, और हम सुख कितना चाहते हैं? अनंत सुख चाहते हैं। कैसा होटल में लिखा रहता था आजकल 24/7, ऐसा सुख कभी नहीं चाहता कि थोड़ी देर के लिए सुखी रहें और उसके बाद ये सुख चला जाए और दुख आ जाए, नहीं, सब समय हम सुख चाहते हैं। और ऐसा सुख चाहते हैं कि उस सुख का हमको बोध भी हो, ज्ञान भी हो। ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा आपको कि जिसका स्वागत हो और स्वागत करने से पहले उसको बेहोश कर दिया जाए, नहीं, वो कहेगा ही नहीं, माला पहनाते हैं तो लोग देखें, मुझे भी बोध हो। तो ज्ञान पूर्वक सुख चाहिए। एक तो सुख आनंद सब समय चाहिए, दूसरी बात ज्ञान पूर्वक चाहिए। तो ये हम क्यों चाहते हैं? हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम इसलिए ऐसा सुख चाहते हैं क्योंकि यही हमारा सच्चा स्वरूप है। हमारा स्वरूप क्या है? सत चित आनंद। सत मैंने सब समय रहने वाला, चित्त मैंने ज्ञान पूर्वक, आनंद मैंने आनंद। तो हम ऐसा सुख चाहते हैं जो सब समय रहे और ज्ञान पूर्वक रहे, हम उस सुख का बोध भी रहे। लेकिन हमारा अभी तक का जो अनुभव कहता है
हम सुख जो ढूंढ रहे हैं क्या हमको मिला है? नहीं मिला। हमने पैसा कमाया, हमने सम्मान कमाया, घर बाड़ी खरीदा, इधर उधर घूमे, लेकिन नहीं मिला। हमारी खोज कहाँ पे है? शास्त्र ने विभाग किया कि हमारी सुख की खोज जगत में तीन जगह करते हैं हम। पहला है वस्तुओं में। हमको लगता है कि वस्तुओं का जितना ज़्यादा संग्रह होगा हम ज़्यादा सुखी होंगे। जिसके पास ज़्यादा घर हैं, ज़्यादा कार हैं, ज़्यादा गाड़ी हैं, ज़्यादा ये सब कुछ है, वो शायद सुखी होगा, हमको लगता है। लेकिन आश्रमों में बड़े लोग जो आते हैं ना, वही ज़्यादा आके रोते हैं। जो गरीब है वो नहीं ज़्यादा झंझट उनको नहीं है, ये अमीरों के झंझट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उनका अभाव ज़्यादा है। उनको लगता है 1 करोड़ हो गए तो 2 करोड़ होना चाहिए, 2 करोड़ हो गए 4 करोड़। गरीब आदमी तो आराम से सो जाता है, खाया पिया आराम से खराटे मार रहा है, उसको दिक्कत नहीं है। तो हमने सुख ढूंढा व्यक्तियों में, वस्तुओं में। दूसरा सुख ढूंढा हमने व्यक्तियों में, रिलेशन बनाए, संबंध बनाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमको जाने। आजकल तो बहुत प्रयास कर रहे हैं लोग, इतना सोशल मीडिया आ गया है कि सब लोग सोचते हैं कि मेरे को बहुत लोग जानते हैं, और जाने का ऐसा कोशिश भी कर रहे हैं हम लोग कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमको जाने। तो व्यक्तियों से संबंध बना के हमको ऐसा लगता है कि सुख मिलेगा, लेकिन नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति हमारे अनुसार चलते हैं उन्हीं से सुख मिलता है, जो हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं बिल्कुल हम निकाल देते हैं उनको। और तीसरी बात हम सोचते हैं कि शायद स्थान परिवर्तन करने से सुख मिलेगा। आप लोग देखेंगे लोग कितने घूमते हैं हिमालय में, जंगलों में, अलग अलग शहरों में। मैं तो इंदौर में रहता हूँ, तो बंगाल के कितने लोग जाते हैं। उनको लगता है कि स्थान छोड़ने से, इस स्थान में रहते रहते बोर हो गए हैं, दूसरे स्थान में जाएंगे आनंद आएगा। लेकिन कितने दिन? हम लोग हिमालय में जाते हैं, हमको कितना अच्छा लगता है वहाँ पे, बर्फ से ढकी चोटियाँ, इतना सुंदर। लेकिन हिमालय में जो लोग रहते हैं उनको पूछ के देखो, वो कहते हैं कि नहीं नहीं कलकत्ता में ज़्यादा आनंद है, हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ तो भूख मरी है, गरीबी है, वहाँ कितना अच्छा है। हमको हिमालय अच्छा लगा, लेकिन हिमालय में जब हम बस जाएंगे तो हमको हिमालय अच्छा नहीं लगेगा, वहाँ भी हम बोर होने लगेंगे। तो हमने सुख ढूंढा व्यक्तियों में, वस्तुओं में, स्थानों में, लेकिन नहीं मिला। लेकिन क्या इनके इनके अलावा भी हमको सुख मिलता है क्या? क्या हमारा अनुभव कुछ कहता है? हमारा एक अनुभव सबका है कि जहाँ पे न व्यक्ति हैं, न वस्तुएं हैं, न स्थान है, और उसके बाद भी हम कहते हैं कि बहुत मज़ा आया, वो कौन सा सुख है? वो हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब हम हर रोज़ निद्रा में चले जाते हैं, जब सोते हैं, सभी का अनुभव है कि नहीं, जब हम सोते हैं, सोते समय न व्यक्ति रहते हैं वहाँ पे, न वस्तुएं रहती हैं, न स्थान रहता है, रहने से भी हम भगा देते हैं, अरे नींद आ रही, चलो चलो जाओ जाओ जाओ। और जब उठते हैं सो के, तब हमारा अनुभव कहता है कि बहुत अच्छे से सोया, कुछ भी पता नहीं चला, मज़ा आ गया। तो ये आनंद जो आया वो किस में था? वहाँ तो कुछ भी नहीं था, न व्यक्ति, न वस्तु, न स्थान, और उसके बाद भी हम डिक्लेयर कर रहे हैं उठने के बाद कि खूब आनंद आया। ये आनंद हमारे अंदर ही था, लेकिन उस आनंद को हम खोज रहे थे बाहर। मुझे स्मरण आ रहा है एक स्वामी जी हो गए राजेश्वर आनंद जी सरस्वती, एक हंसी की बात बहुत बढ़िया सुनाते थे। वो कहा करते थे कि एक गुड़िया की सुई गुम हो गई, सिलने की सुई रहती है ना, धागा सुई, तो सुई गुम हो गई। तो वो सुई ढूंढ रही थी कहाँ पे, जो गली में लाइट लगी रहती है, लैंप पोस्ट, उसके नीचे धूल में सुई ढूंढ रही है। तो युवक आए, युवक लोगों ने पूछा कि माताजी, बुढ़िया माताजी क्या ढूंढ रही हो? बोले मैं सुई ढूंढ रही हूँ। तो युवकों ने पूछा कि सुई कहाँ गुम हुई है? बोले जहाँ गुम हुई है वहाँ अंधेरा है, यहाँ उजाला है, इसलिए यहाँ ढूंढ रही हूँ। क्या इसको ये सुई मिलेगी यहाँ पे? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? इसलिए नहीं मिलेगी कि सुई यहाँ पे है ही नहीं। वही अवस्था हमारी है,
वी आर सर्चिंग द राइट थिंग इन द रॉन्ग प्लेस। सही चीज को गलत जगह पे ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। क्यों? हम सुख शांति चाहते हैं, लेकिन सुख शांति को हम संसार में ढूंढ रहे हैं। लेकिन संसार में रहने से तो मिलेगी। आज तक संसार का कोई ऐसा व्यक्ति हो कि जो कहे कि संसार में रह के मुझे खूब सुख शांति हो गई? नहीं, सभी लोग अभाव बोध करते हैं। जितना भी हो सबको अभाव रहता है। तो इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो तुम सुख ढूंढ रहे हो वो सुख जगत में नहीं है। तो ये जगत में नहीं है तो कहाँ पे है? कि ये जगत जो है, जगत में सुख होता तो लोगों को मिलता, ये परमात्मा में ही है या तुम्हारे अंदर में ही सारा सुख है। दूसरी बात है, हम लोगों का ये जो जीवन है जो चल रहा है, हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं? कभी ऐसा लगा कि हम पैदा हुए, पैदा होने के बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, शैशवावस्था में आए, युवक बने, जवान हुए, फिर प्रौढ़ हुए, फिर वृद्ध हुए, लेकिन जाना कहाँ है पता है क्या? नहीं। लेकिन हम तो कहीं भी चलते हैं तो जाने का एक लक्ष्य रहता है ना हमारा, कि हम यहाँ पहुँचना चाहते हैं। फिर ना हमको ये भी पता नहीं है कि हम आए कहाँ से हैं, न जाने का पता न आने का पता, लेकिन जगत में हम खोज करते। मान लो हम गंगा जी को देखते हैं, गंगा जी को देखते ही बोलते हैं कि गंगा जी का उद्गम स्थान कहाँ पे है, कहाँ से गंगा जी आई, पता करते हैं कि नहीं? हम लोग यहाँ आए तो लोगों को ऐसा कौतूहल होगा कि स्वामी जी लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, ये जानने की इच्छा रहती है। तो हम देखते हैं कि एक नदी को देखा, जहाँ हमारे मन में मने उत्सुकता रहती है कि हम ये नदी कहाँ से उद्गम हुई और कहाँ जाएगी, तो अपने बारे में क्यों जानकारी नहीं होती? हम अपने बारे में क्यों खोज नहीं लेते कि हम आए कहाँ से हैं, जाए कहाँ गए? लेकिन ये भी एक गारंटी है कि जो आदमी जहाँ से आता है वहीं वापस जाता है। हम लोग, मैं इंदौर से आया हूँ तो वापस कार्यक्रम करके इंदौर वापस, यहाँ थोड़ा रह जाएंगे। जब तक बेलूमट पोस्टिंग नहीं करता इधर, तब तक तो वहीं रहना पड़ेगा। तो इसी प्रकार हम अपनी खोज करें। यदि जल की, समुद्र की एक बूंद खोज करती है, समुद्र की एक बूंद क्या करती है? समुद्र से भाप द्वारा सूर्य के किरणों से वो ऊपर उठती है, ऊपर उठ के बादल बन जाती है, बादल बन के हिमालय में बरसती है या राजस्थान में बरसती है। लेकिन जैसे ही वो जमीन पे गिरती है बूंद, किधर चलना शुरू कर देती है? समुद्र की तरफ। तो समुद्र की तरफ क्यों जाना पसंद करेगी, क्यों जाना चाहती है समुद्र की तरफ? वो इसीलिए जाना चाहती है क्योंकि वो समुद्र से अलग हुई है। कभी भी अंश और अंशी ये अलग अलग नहीं रह सकते। भले ही उसको समय लगे, एक बूंद को हो सकता है हजार बार एक छोटे नाले में गिरी, फिर बड़ी बड़ी नदी में गिरी, बड़ी नदी के बाद गंगा जी में चली गई और ऐसा धीरे 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 करके समुद्र की तरफ जाती। तो ये एक बूंद समुद्र में इसलिए जाना चाहती है क्योंकि वो समुद्र से अलग हुई है। यही बात हमारे साथ है। हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं? जाने अनजाने में हम परमात्मा की तरफ जाना चाहते हैं, भगवान की तरफ जाना चाहते हैं। क्यों ऐसा जाना चाहते हैं? इसलिए हम जाना चाहते हैं क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। गीता में भगवान कहते हैं, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन है। जितने भी सृष्टि में जीव हैं सारे मेरे अंश हैं। और ये नियम है, अंश और अंशी अलग अलग रह नहीं सकते, इनको एक साथ रहना पड़ेगा। तो अलग होने के बाद भी हमारा लक्ष्य तो निर्धारित क्या हुआ? आध्यात्मिक जीवन हम क्यों जीना चाहते हैं? हम आध्यात्मिक जीवन इसलिए जीना चाहते हैं कि हम परमात्मा से अलग नहीं रह सकते। तो इसलिए निर्धारित क्या हुआ, शास्त्र ने क्या हुआ क्या कहा कि हमारे जीवन का उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति। ठाकुर रामकृष्ण देव कहते हैं बार बार, जीवन का लक्ष्य, मनुष्य जीवन का लक्ष्य एक ही है, ईश्वर प्राप्ति। शास्त्र भी यही बात कहते हैं कि अपने को जानना ही ईश्वर का लक्ष्य, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो कहने का अर्थ हुआ, ये निर्धारित हुआ
कि क्यों हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, क्यों हम आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं। यदि कोई संसार में खुश है तो वेल वहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम यदि अपनी परिस्थिति से, अपने जीवन से सुखी नहीं है, हमको लगता है कि अभाव बोध है, पूर्णता हमको प्राप्त नहीं हुई है, तो हमको ये यात्रा करनी पड़ेगी, आध्यात्मिक जीवन जीना पड़ेगा। आध्यात्मिक जीवन जीने का अर्थ ही ये है कि हम परमेश्वर की तरफ आगे बढ़े, और परमेश्वर की तरफ आगे बढ़ने का अर्थ है कि हम भगवान के साथ मिलकर एक रूप हो जाएं। समुद्र की एक बूंद जो अलग हो गई थी, समुद्र में जाके शांत हो जाती है, समुद्र रूप को प्राप्त कर देती है। लेकिन इसमें बाधा क्या है? ये जो बूंद है, इसको चलने के लिए, समुद्र जाने के लिए विधि निषेध अपनाने पड़ेंगे। मान लो एक नदी है, वो नदी कहती है कि महाराज मैं ये जो किनारे जो बने हैं ना, दोनों बैंक हैं नदी के किनारे, मैं इनको नहीं मानना चाहती। अच्छा, इनको बिना माने हम चले जाएंगे कि नदी चली जाएगी क्या समुद्र में? नहीं चली जाएगी, वो तो ऐसा ना पानी फैल जाएगा पूरा जगत में, आगे बढ़ेगी नहीं। तो उसको दो किनारे अपनाने पड़ेंगे, दो किनारों के सहारे ही वो आगे बढ़ेगी। तो इसी प्रकार हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि विधि निषेध का जीवन जीना पड़ेगा। जो मनमुखी लोग हैं, अपने मन के अनुसार जीवन जीते हैं, वो ईश्वर प्राप्ति नहीं कर सकते, ये गारंटी है। क्यों? उन्होंने जीवन को ऐसा अपनाया ही नहीं है। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए तो हमको विधि निषेध, विधि निषेध का अर्थ होता है कि ऐसा हमको करना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए। मनमोजी से हम करें, अपना जीवन जिए और कहते हैं ईश्वर प्राप्ति हो जाए, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? जब एक नदी आगे नहीं बढ़ सकती बिना विधि निषेध के, तो हम कैसे, तो हमको जीवन कैसा जीना पड़ेगा? शास्त्र अनुसार जीवन जीना पड़ेगा, ठाकुर माँ स्वामी जी के अनुसार जीवन जीना पड़ेगा, महात्मा लोग जैसा बताते हैं वैसा जीवन जीना पड़ेगा। कि ये चीज़ें करो और ये चीज़ें मत करो। और जैसे अच्छा, फिर हम आगे तो बढ़ गए विधि निषेध के दोनों चीज़ों को लेके, दोनों किनारों को लेके, और उसके बाद जब समुद्र में मिले, हमने कहा कि अभी भी हम विधि निषेधों को नहीं छोड़ेंगे, अरे फिर समुद्र रूप नहीं होगे तुम। विधि निषेध बाद में सब छूट जाते हैं, वहाँ पे कहते हैं को निधि को निषेध है, कोई विधि निषेध नहीं चलता फिर। क्यों? अभी तो कुछ कामना ही नहीं बची है, भगवान के साथ एक रूप हो गए। तो मैंने भूमिका के रूप में ये जो बातें कही कि क्यों हम लोग आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं, आध्यात्मिक जीवन का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक जीवन कोई ऐसा नहीं है कि हमको जैसा हम अभी कुछ कर रहे हैं तो हमको पूरा बदल देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। ठाकुर माँ स्वामी जी ने हमको बहुत सुंदर अच्छे से बता दिया है कि कुछ बदलने की जरूरत नहीं, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। देखो, आप सभी लोग कथामृत पढ़ते हैं, कथामृत में मास्टर महाशय की पहली मुलाकात हुई ठाकुर जी के साथ, और कौन है मास्टर महाशय? जो संसार से इतने उदासीन हो चुके हैं, आत्महत्या करना चाहते हैं, निकले हैं आत्महत्या करने के लिए, और मिल गए भगवान से। और पहला प्रश्न, दो प्रश्न जो पूछे गए पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि भगवान में मन कैसे लगे, और दूसरा प्रश्न क्या है कि संसार में रह के भी भगवान लाभ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हमको बड़ा डाउट होता है, कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं महाराज, ये भगवान लाभ तो आप लोगों के लिए है। अरे हम लोगों के लिए नहीं, सब लोगों के लिए है, सब लोगों का एक ही उद्देश्य है। दो तरह के आदमी हो सकते हैं। मान लो दुर्गापुर शहर को पार करना हो तो कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो शहर के बीच में से चलते बनेंगे, धक्का मुक्की खाते, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बाईपास से निकल जाएंगे। तो इतनी सी बात है, झंझट दोनों में ही है। तो कहने का अर्थ हुआ कि जीवन का उद्देश्य तो ईश्वर प्राप्ति, और ठाकुर ने इतनी बार कहा है कि गृहस्थी में करते हुए जो काम आप कर रहे हैं वही करते करते ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। तो दो प्रश्नों में पहला प्रश्न क्या हुआ? पहला प्रश्न ये है कि भगवान में मन कैसे लगे। भगवान में मन लगता नहीं। लोग कहते हैं महाराज ये 15 मिनट ध्यान मत कराओ,
एक घंटा जो है सेवा कार्य करवा लो। क्यों? क्योंकि जब हम मन को कंट्रोल करने लगते हैं तो मुश्किल होता है। ये सुखानंद जी महाराज बैठे हैं, इनके सामने बोल रहा हूँ, इन्हीं की बात है। इंदौर में आए थे कथा करने, तो इन्होंने बड़ा एक सुंदर एक बात कही थी। तो एक सेठ जी के बारे में ये बता रहे थे, मैंने चुटकला है एक तरह का। वो कह रहे थे, महाराज जब से हमने दीक्षा ली है तो हमारा तो व्यापार उन्नत हो गया है, व्यापार बढ़ने लगा। अरे दीक्षा कर व्यापार का क्या मतलब है? बोले कहते हैं, कहने लगे कि लोग उधार लेके पैसा चले जाते थे, हम भूल जाते थे, और अभी ध्यान में बैठते तो बराबर वो याद आ जाता किस किसने उधार लिया है। तो वो उधार याद आने से हम नोट कर लेते तुरंत और अगले दिन हाजिर हो जाते, भाई पैसा निकालो। तो कभी कभी ऐसा है कि दीक्षा के ये भी फायदे लोग। तो कहने का अर्थ है कि कभी कभी हमारे मन में भी होता है, हम सोचते हैं कि महाराज जी जब हम आध्यात्मिक जीवन नहीं जी रहे थे शायद उस टाइम ज़्यादा सुखी थे। क्यों? क्योंकि विधि निषेध कुछ नहीं थे। झूठ बोलने का मन किया झूठ बोल दिया, चोरी करने का मन किया चोरी कर लिया। लेकिन जब से हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं हमारे तो संकट खड़े हो गए। अभी झूठ बोलते समय सोचना पड़ता है, नहीं हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमको चोरी नहीं करनी चाहिए, हमको सदव्यवहार करना चाहिए। कितनी एक सुंदर बात। लेकिन शुरू शुरू में ऐसा लगता है कठिनाई आती है, क्योंकि मन को अभ्यास नहीं है। मन पहले जैसा था, जब उल्टी दिशा में चलाते हैं तो फोर्स लगती है। नदी का बहाव में पानी जब चलता है हमको लगता है इसमें फोर्स ही नहीं है, ऐसा लगता है अनायास ही ऐसे बहते चला जा रहा है पानी। लेकिन पानी को रोको कितना कठिन लगता है, और इतने तो बहुत फोर्स है, तो पूरे पूरे बांध बांधते हैं तो बांध को भी कभी कभी तोड़ देता है। तो मन का भी जब ये संसार मुखी मन है, जैसा मन में हमारे आता है वैसा हम जब करते हैं तब हमको लगता है कि मन में पावर नहीं है, मन कोई परेशानी नहीं कर रहे हैं। लेकिन मन को जब रोकने का प्रयास करते हैं, संसार से हटा के भगवान में लगाते हैं, तो ऐसा लगता है अरे ये तो बहुत पावर है इसमें, तो ये तो लगता ही नहीं। मैं जब रायपुर में, इंदौर से पहले मैं रायपुर में था, तो रायपुर में जब गया तो वहाँ पे एक सब्जी रहती है कड़ी, आप लोगों ने सुनी होगी, दही से बनती है, खट्टी दही, और उसमें सब्जी डाल के बनाते हैं। माने आप बंगाल के लोग तो उसको मुंह में डालेंगे तो तुरंत बाहर निकालेंगे, बोले नहीं नहीं ये टू डेंजरस है ना, बिल्कुल चलती नहीं, खट्टी रहती है एकदम। तो मैं नया वहाँ पे पोस्टिंग हुई तो मुझे परोसे गई, बाकी लोग बहुत चाव से खा रहे थे, मैंने सोचा बहुत स्वादिष्ट एक डिश दे रहे हैं ये, मैंने भी मुंह में डाली तुरंत बाहर निकाली, बोले नहीं ये नहीं चलेगी। लेकिन कितने दिन, अब बेलूमठ ने वहाँ पोस्टिंग करके रखी है, रहना तो वही है, और वहाँ का वो स्टेपल फूड है, वहाँ तो खाना ही पड़ेगा, वहाँ रहोगे तो जैसे बंगाल में आओ तो मछली खानी पड़ेगी, यहाँ तो यही चलता है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि मैंने, मेरे मन ने एक बार रिजेक्ट किया, दो बार रिजेक्ट किया, तीन बार रिजेक्ट किया। बाद में जब मैं 25 साल तक वहाँ रहा, तो जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो बड़े स्वामी जी ने पूछा, तुम्हारे भंडारे में क्या बनाना चाहिए? मैंने कहा कड़ी बनाओ। है क्यों? वो टेस्ट मन ने स्वीकार किया और डेवलप हो गया है। पहले रिजेक्शन फिर स्वीकृति, धीरे 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 खाते 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 बाद में मन बैठ गया। तो यही हमारे साथ है, हम भगवान का नाम लेने लगते हैं, मन कहता किताब पढ़ लो, कुछ सेवा कार्य कर लो, भजन गा लो, भगवान का नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन जब आप भगवान का नाम लेते 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 लेने लगते हैं तो कितना अच्छा हो जाता है, फिर मन उसी में बैठने लगता है, बोले और कुछ नहीं। ठाकुर जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, पुराने जमाने में वैद्य लोग रहा करते थे ना, हकीम, आजकल के डॉक्टर नहीं थे, और उनके पास ये भी नहीं थे पैथोलॉजी के टेस्ट करने का। ये महाराज जी तो डॉक्टर हैं, सेवाव्रतानंद जी ही तो MD डॉक्टर भी हैं, लेकिन पुराने ज़माने के डॉक्टर ऐसे नहीं थे। पुराने ज़माने के डॉक्टर कैसे रहते थे कि वो जो है अपने, उनके मैंने परीक्षण करने के अपने तरीके थे। तो ठाकुर जी कहते हैं कि तीन तरह का, कफ वात पित्त, ये तीन निर्धारण थे बीमारियों के, तो देखते थे कि कौन सी बीमारी है। तो ठाकुर जी कहते थे कि पेशेंट आया, वैद्य ने उसको दिया मिश्री, जैसे मिश्री दिया मुंह में डाला मिश्री बाहर निकाल दिया, बोले बहुत कड़वी है।
मिश्री कड़वी रहती है क्या? नहीं रहती, लेकिन क्योंकि बीमार है मिश्री कड़वी लगी। जैसे कड़वी लगी तो वैद्य पूछता है कैसी लगी कड़वी, अच्छा ठीक है इसको पित्त बढ़ा हुआ इसका, तुरंत समझ में आ गया। अब इलाज क्या है इसका? इलाज है कि इसको मिश्री खिलाना है रोज, और मिश्री ये खाता नहीं। क्यों? इसको मिश्री कड़वी लग रही है, और डॉक्टर कहता है कि नहीं इसको मिश्री खिलाते जाओ, मिश्री खिलाते जाओ, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन पहले दिन कड़वी लगी, दूसरे दिन कड़वी लगी, तीसरे दिन कड़वी लगी, धीरे धीरे खाते 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 उसको मिश्री अच्छी लगने लग गई। अभी जैसे ही मिश्री मीठी लगने लग गई उसकी बीमारी दूर हो गई। तो हम लोग भी बीमार है कि नहीं? भवरोग लगा हुआ है हमको भी, और वैद्य कौन है? सदगुरु वैद्य हैं, ठाकुर माँ स्वामी जी हमारे गुरुदेव। वो कहते हैं कि ये भवरोग छुड़ाने का एक तरीका है। बोले कौन सा तरीका है? बोले भगवान का नाम ले। बोले ये तो कड़वा लगता है मिश्री के जैसा। बोले नहीं भगवान में मन नहीं लगता, ये तो कड़वा लगता है। लेकिन गुरु जी कहते हैं कि इसको नियमित लेते जाओ, सुबह शाम दो दो गोली खाते जाओ, भगवान का नाम 108 करते जाओ सुबह शाम। लेकिन कुछ काल के बाद करते 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 भगवान के नाम में रुचि आ जाती है। और जैसे रुचि आने का क्या लक्षण हुआ? ये संसार को जो हम छोड़ना चाह रहे थे, जो हमको झंझट लग रहा था, धीरे धीरे संसार से अरुचि हो गई और भगवान में रुचि आ गई। और भगवान में रुचि आ गई तो क्या हुआ कि ये जो संसार है ये भी भगवान का संसार है, ये भी ठीक लग रहा है, ये ही प्रभु का संसार है। करते 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 हमारा जीवन आगे बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार ठाकुर जी ने पहला उपदेश किया, क्या कहा? ठाकुर जी ने कहा कि सदा सर्वदा भगवान का नाम गुणगान कीर्तन करना चाहिए। अब ये एक बड़ी समस्या है। मान लो हम सदा सर्वदा भगवान का नाम करेंगे, कोई दुनिया में है ऐसा आदमी जो सदा सर्वदा भगवान का नाम करता हो? महाराज जी हो सकता है आप लोग सोचें कि हम लोग करते होंगे क्योंकि हम आश्रमों में रहते हैं। अरे हमको भी आप जैसे काम है बहुत सारे, सेवा कार्य बहुत लगाए स्वामी जी ने हमारे पीछे भी। और ठाकुर जी कहते हैं कि सदा सर्वदा भगवान का नाम गुणगान करना चाहिए, ये तो बात ठाकुर जी कहते हैं। और गीता भी कहती है कि जो भाव लेके अंत काल में जो भाव रहेगा उसी के अनुसार हमको अगला जन्म मिलेगा। ऐसी कितनी कथाएं आती हैं कि अंत काल में जो है भगवान का नाम ले। और कुछ लोग तो ऐसा सोचते भी हैं कि जीवन भर भगवान का नाम लेने की क्या जरूरत है, जब अंत काल आएगा तो नाम ले लेंगे मुक्त हो जाएंगे। अरे अंत काल मालूम है क्या? नहीं मालूम, अंत काल मालूम ही नहीं है। और दूसरी बात है कि अंत काल आने से भगवान का नाम निकलेगा ऐसा नहीं ठाकुर जी कहते हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि मूली खाई हो तो मूली की डकार आएगी आखिरी में, कितना भी सब्जी खाओ भाजी खाओ कुछ भी खा लो, लेकिन मूली क्योंकि इतनी प्रोमिनेंट गंध है मूली में तो मूली की ही डकार आएगी। तो इसलिए जो हम करते रहेंगे सारा जीवन आखिरी में वही याद आएगा, है ना। किसी को लग रहा है कि घर बनाना बाकी रह गया तो घर याद आएगा, किसी को लग रहा है सम्मान कमाना बाकी था सम्मान याद आएगा। जो भी घनीभूत भाव रहेगा, जिस भाव का पोषण हमने सारा जीवन किया है, वही भाव आखिरी में पोषित होगा और वही भाव खड़ा हो जाएगा, वही जन्म करा देगा। लेकिन भगवान तो कह रहे हैं कि सदा सर्वदा भगवान का नाम लो। तो सदा सर्वदा करने में क्या करना पड़ेगा? हमको करना ये पड़ेगा, हम पूरा दिन जो भी व्यवहार कर रहे हैं उसको बदल देना पड़ेगा। स्वामी जी का एक लेक्चर है बहुत बढ़िया, गॉड इन एवरीथिंग, बहुत आप लोग कभी सुयोग मिले तो पढ़ के देखो उसको, बहुत सुंदर लेक्चर है। उसमें यही भावना है, स्वामी जी कहते हैं बिना त्याग के हमको कुछ प्राप्ति होने वाली नहीं। त्यागे न एके न अमृतत्व मानसो, मात्र त्याग से अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती। लेकिन त्याग की बात जब हम सुनते हैं ना तुरंत डर जाते हैं। त्याग का मतलब हम सोचते हैं कि हमको घर बार छोड़ के साधु बनना पड़ेगा। स्वामी जी कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं। त्याग का अर्थ है स्वार्थ बुद्धि का त्याग। जो आदमी जितना निस्वार्थी होगा उतना ही भगवान के समीप होगा। स्वामी जी कहते हैं अनसेल्फिशनेस इज गॉड, कोई देवी देवता का नाम नहीं है वहां पे।
निस्वार्थ भाव। तो स्वामी जी उस लेक्चर में कहते हैं कि देखो हमको क्या करना पड़ेगा, पत्नी का त्याग करना पड़ेगा, बच्चों का त्याग करना पड़ेगा, माँ बाप का त्याग करना पड़ेगा, सब लोगों का त्याग करना पड़ेगा। तो फिर करेंगे क्या, पत्नी की जगह भगवती ले आएंगे। कितना सुंदर भाव है। अब पत्नी नहीं है, ये माँ है, भगवती है। बच्चों की जगह क्या करेंगे, छोटे छोटे बाल गोपाल मान लेंगे उनको, पति को परमेश्वर मान लेंगे। ये तो हमारी परंपरा भी है। और घर को क्या करेंगे, घर को आश्रम बना लेंगे। अभी हमारा घर नहीं है, ये आश्रम है, यहाँ पे सब देवी देवता विराजमान है, क्योंकि हम भी देवता, हम भी देवी, और घर वाले सारे के सारे सारे रिश्तेदार देवी देवता बन गए। जो भी घर में आया हम कैसे खुश हो जाने चाहिए। आजकल तो दरवाजे बंद कर लेते घर में आए ना, छोटे बच्चे को तुरंत बताते हैं, घंटी बजी बता दो पापा घर में नहीं है, है ना, तुरंत बता देते हैं। और बच्चा सीख भी लेता है झूठ बोलना, और फिर कहते हैं महाराज जी हमारा बच्चा झूठ बोलता है हमसे। अच्छा सिखाया किसने, सिखाया था तुमने सिखाया, तो घर से ही सीखता है। तो कहने का अर्थ हुआ, और जो भी भोजन बनेगा घर में, वो भोजन किसके लिए बनेगा, प्रभु के लिए बनेगा, भगवान के लिए बनेगा। अपने लिए हम भोजन बनाएंगे तो अशुद्धि के साथ बना सकते हैं, या किसी से भी काम चला लेंगे, अरे चलो आज सब्जी नहीं लेके आए, चलो अच्छे छोटा मोटा दाल से खा लेंगे। लेकिन भगवान को भोग लगाना पड़े यदि, तो सब अच्छा अच्छा खाना बनेगा। तो खाना पीना रहना व्यवहार सब कुछ शुद्ध हो जाएगा हमारा। और आप कल्पना करो जब हम ऐसा करेंगे तो कैसा चलेगा हमारा जीवन, सब समय भगवान का स्मरण करते हुए करेंगे। एक मास्टर यदि पढ़ा रहा है और वो सारी शक्ति सिर्फ बच्चे के कल्याण के लिए लगाता है, तो तनख्वाह तो मिलेगी उसको, लेकिन जीवन सफल हो जाएगा। क्यों, उसको लगेगा नहीं ये प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। हमारे क्या हुआ था कि रायपुर में एक बार परम पूज्यपाद श्रीमत स्वामी वीरेश्वरन जी महाराज आए थे। वीरेश्वरन जी महाराज आए, बहुत सारे भक्त इकट्ठे हुए, दीक्षा भी हुई थी। तो दीक्षा के बाद भक्त लोग महाराज को संध्या समय प्रणाम कर रहे थे। प्रणाम करते समय सब लोगों का प्रणाम हो गया। प्रणाम होने के बाद उनके सेवक थे हरलाल महाराज, तो वो खिड़की दरवाजे बंद करने लगे सब। तो महाराज ने पूछा ये खिड़की दरवाजे क्यों बंद कर रहे हो। बोले महाराज एक प्रणाम हो गए छे, लेकिन अपनी जब ध्यान कर बेन। महाराज बोलें एखन अब्दी की हमें तरकारी काट छिलाम। कहने का अर्थ देखो, हंसी की बात लगती है। महाराज ने कहा कि अभी तक जो है, अभी तक क्या मैं सब्जी काट रहा था। तो फिर महाराज ने खुद एक्सप्लेन किया। महाराज कहने लगे देखो जो भी भक्त लोग आते हैं, मैं समझता हूं कि ये प्रभु राम कृष्ण देव आ गए एक एक, और इनमें प्रभु विराजमान है, तो मन से मानसिक रूप से मैं ही उनको पहले प्रणाम कर लेता हूं कि प्रभु मेरा प्रणाम निवेदित स्वीकार करो। तो क्या हुआ, मान लो 300 भक्तों ने प्रणाम किया तो 300 बार ठाकुर जी को प्रणाम हुआ ना। करना क्या बड़ा, प्रणाम लेना तो कंपलसरी है, गुरु जी है तो प्रणाम तो करेंगे लोग, टाइम पास भी कर सकते थे। लेकिन क्योंकि ये महापुरुष हैं, उन्होंने हमको रास्ता दिखाया है कि सब जो कुछ भी कर रहे हो उसी में भगवान को जोड़ दो। हमारे एक स्वामी जी एयरपोर्ट पे गए, वो बड़े पॉपुलर हैं, तो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी वाले खड़े रहते हैं ना, तो एक सिक्योरिटी वाले बिहार के थे वो लोग, उन्होंने पहचान लिया ये स्वामी जी, तो इनका तो लेक्चर हमने सुना है यूट्यूब पे। तो उन्होंने कहा स्वामी जी थोड़ा सा प्रवचन हमको दे दो ना। अरे यहाँ कहाँ प्रवचन देंगे, थे एयरपोर्ट पे खड़े हुए हम। बोले नहीं है ये प्लेटफॉर्म समझ लो आप, जहाँ सिक्योरिटी वाले ऐसे हाथ करवा के खड़े होते हैं यहाँ। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा तो किस भगवान की आराधना करते हो तुम। बोले महाराज हम तो हनुमान जी के भक्त हैं। बोले फिर ऐसा करना कि जो भी पैसेंजर आएगा, और तुम्हारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसको घुमाते हो ना चारों तरफ कि कुछ सामान तो नहीं लेके जा रहा है, बस ऐसे ही समझना ये कि भगवान की आरती कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ उसी। तो वो बुद्धिमान तो है वो सिपाही लोग, उन्होंने कहा महाराज फिर तो पूरा दिन ही भगवान की पूजा, हनुमान जी की पूजा होगी। अरे बोले वही तो करना है, यदि पूरा दिन भगवान की आराधना भगवान की पूजा नहीं करोगे ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि अंतकाल में दूसरे भाव आ जाएंगे।
तो अंत काल के भाव को पुष्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सब समय भगवान का ही स्मरण करना पड़ेगा, उन्हीं के लिए कर्तव्य कर्म करना पड़ेगा। किसी के लिए कर्म नहीं कर रहे हैं, सिर्फ भगवान के लिए हम काम कर रहे हैं। और ये भाव जब हमारा पुष्ट हो जाएगा तो हमको चिंता नहीं, हम तो नौकरी भी करेंगे, संसार भी चलाएंगे, व्यापार भी करेंगे, सारा का सारा वैसा करेंगे। लेकिन ये किसका करेंगे? ये प्रभु का करेंगे, अपने लिए नहीं करेंगे, सब कुछ प्रभु के लिए। इसलिए शास्त्र कहते हैं ईशावास्य मिदम सर्वम यत्किंचित जगत त्याम जगत, ये भगवान ही सब में है। और इस प्रकार भगवान ही सब में है ये भाव रख के जब हम काम करेंगे तो देखेंगे कि सब समय उन्हीं का काम हो रहा है, उन्हीं को प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हम लोग इसी भाव को थोड़ा आगे और दो तीन दिन माने बढ़ाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।